लिए चलते हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग के मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी, माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, कृषि के राज्य मंत्री सरदार गोदेव सिंह ओलक जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शेफाली सिंह जी, माननीय विधायक श्री रितेश गुप्ता जी, सत्यपाल सैनी जी, जयपाल सिंह गस्त जी, हरि सिंह भिल्लो जी, गोपाल अंजान जी, योगेश भामा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री आकाश पाल जी, हमारे अन्य पदाधिकारीगण, इस चौधरी चरण सिंह स्मारक ट्रस्ट से जुड़े हुए उनके अध्यक्ष जितेंद्र सिंह चौधरी जी, उत्तर प्रदेश डाक महासभा के अध्यक्ष शैलेन्द्र चौधरी जी, स्मारक ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और बेलारी समेत मुरादाबाद जनपद से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाई और बहनों, चौधरी साहब की पावन जयंती पर 51 फीट ऊंची उनकी प्रतिमा का लोकार्पण का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए चौधरी चरण सिंह स्मारक ट्रस्ट से जुड़े हुए और उत्तर प्रदेश डाक महासभा के सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए चौधरी साहब को उनकी पावन जयंती के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं चौधरी साहब भारत की अर्थव्यवस्था की गहराई जानकारी रखते थे और इसीलिए उन्होंने इस बात को बड़ी स्पष्टता के साथ कहा था। उन्होंने कहा था अगर किसान गरीब रहेगा तो भारत समृद्ध नहीं हो सकता। भारत वर्ष की समृद्धि का राज गांव के खेत और खिलानों से होकर के जाता है और इसलिए हमें अन्नदाता किसान की खुशहाली और उनकी समृद्धि को ध्यान देना ही पड़ेगा। उसके अनुरूप नीतियां हमारी बननी चाहिए, उसके अनुरूप कार्यक्रम हमारे लागू होने चाहिए और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी और एक राजनेता के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का जो कार्य किया, आज उसके परिणाम हम सबके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश और देश के अंदर चल रही परिवर्तन की बहार और विकास और समृद्धि की एक नई जो बहार है यह उसी का परिणाम है। भाइयों बहनों, हम अपने पूर्वजों की स्मृतियों को ताजा रखने के लिए जब एक कार्यक्रम करते हैं अक्सर सरकार आगे होती है और समाज पीछे होता है, लेकिन मुझे आज चौधरी साहब के प्रति आप सबकी श्रद्धा और आस्था का एक प्रमाण है कि यहां पर चौधरी चरण सिंह स्मारक समिति और डाक महासभा आगे है और सरकार उनके पीछे खड़ी है और परिणाम हमारे सामने है। चौधरी साहब की भव्य 51 फीट की एक भव्य प्रतिमा एक नई प्रेरणा के साथ अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन करने का एक नया संदेश दे रही है। आपने देखा होगा पिछले 9.5 वर्ष के अंदर अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन देखने को मिला, पहली बार किसी भी आपदा से बचाव के लिए अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा का उपहार मिला, कृषि सिंचाई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को क्रियान्वित किया गया
और अकेले उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्ष के अंदर भाइयों बहनों हमने लगभग 22 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा प्रदान की है। प्रदेश के अंदर आज इसी का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर पहली बार देखने को मिला है देश के अंदर भी कि लागत का 1.5 गुना काम अन्नदाता किसान को मिले। एमएसपी की घोषणा तो बहुत पहले हो गई थी लेकिन एमएसपी ईमानदारी से लागू करने का कार्य यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार ने किया। और भाइयों बहनों यही नहीं, पहली बार देश के अन्नदाता किसानों को उनका सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हुआ है। अकेले उत्तर प्रदेश में 2,61,00,000 किसान 15 किस्त में अब तक 60,000 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से प्राप्त कर चुके हैं। भाइयों बहनों यह अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान के भाव को व्यक्त करते हुए सरकार की प्रतिबद्धता को व्यक्त कर दर्शाता है। और यही इसी का परिणाम है कि आपने देखा होगा पहले गन्ना किसान तबाह होता था, वर्षों वर्षों तक उसके गन्ना मिलने का भुगतान नहीं हो पाता था और चीनी मिले भी तबाह होती थी, किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान न होने के नाते खड़ी फसल को जलाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। याद करिए 6 वर्ष इंडियन सरकार के 3 वर्ष कोरोना में गए लेकिन हमने चीनी मिले बंद नहीं होने दी। हमने कहा कोरोना का भी सामना करेंगे लेकिन अन्नदाता किसानों को खड़ी फसल पर आग नहीं लगाने देंगे, चीनी मिले चलेंगी, हम सुविधाएं देंगे। और अब तक 2,25,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान अपने अन्नदाता किसानों के खाते में दे करके देश की नहीं दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। भाइयों बहनों आज के दिन पर 120 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है, गन्ना का रकबा बढ़ा है। हम लोग जब आए थे 18,00,000 हेक्टेयर में गन्ना होता था और कल मैं देख रहा था आंकड़े उठा रहा था आज 29,00,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर हमारा अन्नदाता किसान गन्ना की खेती कर रहा है। और हमने अभी कमेटी का भी गठन कर दिया है, इस बार गन्ना किसानों की गन्ना मूल्य का भी एक उसमें वृद्धि भी करनी है, इसके लिए कमेटी तैयार होकर के कार्य करना प्रारंभ कर दी है। भैया बहनों पहली बार आपने देखा होगा चौधरी साहब यही कहते थे ना कि किसान को पानी फ्री में मिले। और भाइयों बहनों पहले तो बिजली ही नहीं आती थी, अब तो बिजली भी है और बिजली के अलावा प्राइवेट ट्यूबवेल को हम फ्री में कनेक्शन देने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। हमने तय कर दिया है, पैसे की व्यवस्था कर दी है, फीडर सेपरेशन की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। यही नहीं कल सरकार ने यह भी तय किया है जो लोग डीजल से अपने ट्यूबवेल चलाते थे उनको सोलर पैनल देंगे। अब तक 52,000 किसानों को हमने सोलर पैनल दिए हैं, इस वर्ष 30,000 किसानों की सब्सिडी को हम बढ़ाने जा रहे हैं। और भाइयों बहनों अगले वर्ष के लिए लक्ष्य हमने फिर से 42,000 का विशेष तय कर दिया है कि हर हाल में अन्नदाता किसान के जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। आपने अभी देखा होगा, अभी आपने यह देखा है हमने किसान बंधुओं को ट्रैक्टर दिए हैं, ये ट्रैक्टर भी चौधरी साहब के कारण आज मिल पा रहा है किसानों को। अगर मंडी कानून उनके द्वारा नहीं बनाया गया होता भाइयों बहनों तो अन्नदाता किसानों को ये ट्रैक्टर फ्री में नहीं मिल रहा होता, यह भी आज आपने देखा होगा। यही गठबंधन सरकार का कार्य है, हम किसानों के हितों के लिए भी कार्य करेंगे, हम नौजवानों के रोजगार और नौकरी की भी पुख्ता व्यवस्था करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य भी लेके आएंगे। कहीं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन करके तैयार है, कहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन के तैयार है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रदेश की राजधानी और प्रयागराज से जोड़ने के लिए और वाराणसी से जोड़ने के लिए
गंगा एक्सप्रेस वे पर भी युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को लखनऊ जाना हो, प्रयागराज जाना हो, वाराणसी जाना हो, गंगा एक्सप्रेस वे उनके मार्ग को आसान करेगी और आसान ही नहीं करेगी। औद्योगिक क्लस्टर विकसित करते हुए उत्तर प्रदेश के नौजवान को नौकरी और रोजगार की गारंटी भी सरकार वहां पर देने जा रही है। और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मुरादाबाद के अंदर आपने देखा होगा एयरपोर्ट बन गया है, बहुत शीघ्र हम लोग वायु सेवा मुरादाबाद से प्रारंभ करने जा रहे हैं। मुरादाबाद से वायु सेवा प्रारंभ होगी, लोगों के लिए कल्पना थी, पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से यहाँ का जो श्रमिक था हताश था निराश था, हमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से उसके जीवन में परिवर्तन किया। आज 15 से 16 हजार करोड़ रुपए का अकेले मुरादाबाद एक्सपोर्ट करता है, पीतल के वस्तुओं को दुनिया के अंदर दुनिया के बाजार में बेच करके अपना ब्रांड मुरादाबाद बना करके अपना कार्य करता है। भाइयों बहनों, ये परिवर्तन है और ये परिवर्तन इसलिए हुआ है क्योंकि डबल इंजन की सरकार ने सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की है। हमारी संवेदना गरीब के लिए है, किसान के लिए है, नौजवान के लिए है, बाल बेटियों के लिए है, सामान्य नागरिकों के लिए है। हमारी संवेदना प्रदेश के नागरिकों के लिए है, लेकिन जो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा गरीबों के पेट पर जबरदस्त हक उनके हक पर डकैती डालने का कार्य करेगा, व्यापारियों को प्रताड़ित करेगा, उसके लिए सरकार ने पुख्ता व्यवस्था की है। और भाइयों बहनों, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था का परिणाम है 6.5 वर्ष में कोई दंगा यूपी में नहीं हुआ है। अब उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता, नहीं तो यही प्रदेश था, हर दूसरे जिले दंगा होता था ना, हर दूसरे जिले दंगा होता था। आज दंगा नहीं होता है, अब तो यूपी के बारे में हर व्यक्ति कहता है न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब दंगा है ना। और ये सुरक्षा का माहौल अच्छा लगता है ना, जब बेटियां स्कूल जाती हैं, कोई भय नहीं, तो भाइयों बहनों हर परिवार खुश होता है, उनका आशीर्वाद इस डबल इंजन सरकार को मिलता है। डबल इंजन सरकार को उन्हीं के आशीर्वाद का परिणाम है कि कई दशक के बाद उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार रिपीट की है और फिर डबल इंजन की सरकार बुलेट ट्रेन की रफ्तार से विकास के कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को उनकी योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है, आपकी विरासत का सम्मान करने का कार्य कर रही है। विरासत के सम्मान का ही परिणाम है आज हम सब चौधरी साहब की 121वीं जयंती के अवसर पर उनकी 51 फीट ऊंची इस भव्य प्रतिमा के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए आए हैं। माध्यम यहाँ पे चौधरी चरण सिंह शिक्षा ट्रस्ट हो सकता है, माध्यम जाट मार्शला हो सकता है, लेकिन आस्था हमारी भी है क्योंकि चौधरी साहब ने प्रदेश के हित में, देश के हित में कार्य किया था, अन्नदाता किसानों के खुशहाली के लिए कार्य किया था, उनकी समृद्धि के लिए कार्य किया था। और सरकार इन्हीं सब बातों को लेकर के आज आपके पास आई आपसे कहने के लिए, एक तरफ किसानों के हित के लिए कार्य करने वाली, विरासत का सम्मान करने वाली लोग हैं, जहां चौधरी साहब के प्रति सम्मान है, सुख तीर्थ का भी निर्माण होने जा रहा है। आपने मुजफ्फरनगर में जाके देखिए, सुख तीर्थ में फिर से गंगा जी की धारा फिर से वहां पहुंच चुकी है। आपने देखा होगा बिजनौर में, इसके बाद में बिजनौर जाने जा रहा हूं मैं, और बिजनौर में विदुर कुटी का पुनरुद्धार हो रहा है। भाइयों बहनों, काशी में काशी विश्वनाथ धाम और 22 जनवरी को अयोध्या में 500 वर्षों के बाद फिर से राम फिर से विराजमान होने जा रहे हैं। क्या ये काम वे लोग कर पाते जो लोग संविधान विरोधी कार्य कर रहे हैं? आपने देखा होगा कि विपक्षी दल कितना नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए महानुभावों का भी सम्मान
मोदी का पान, कांग्रेस के नेता वीडियो बना रहे हैं, विपक्षी दल के सांसदों का एक इस प्रकार का एक कृत्य मुझे नहीं लगता है कि कोई सभ्य समाज स्वीकार करेगा, और मुझे लगता है इसकी सजा उनको भुगतनी ही पड़ेगी, जनता जनार्दन इसकी सजा देगी ही देगी उन्हें। किस तरीके से सार्वजनिक रूप से संवैधानिक पदों पर बैठे हुए महानुभावों का अपमान किया जा रहा है, उनकी खिल्लियां उड़ाई जा रही है, यह स्थिति संवैधानिक पदों पर बैठे हुए महानुभावों को इस प्रकार से उनका अपमान करना, उनकी खिल्ली उड़ाना, भाइयों बहनों ये संविधान का अपमान है, और संविधान के अपमान का मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है, और किसी भी भारतीय को इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंततः हम सबकी निष्ठा भारत के प्रति है, भारत माता के प्रति है, भारत की सुरक्षा के प्रति है, भारत की एकता अखंडता के लिए है, और हम लोग इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आपने देखा होगा चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति में बने वाले स्मारक, इसमें आर्मी के पूर्व जनरल भी है, हाईकोर्ट के पूर्व जजेज भी है, शिक्षाविद भी है, प्रगतिशील किसान भी है, उद्यमी भी है, लोग जीवन में अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले महानुभाव है, और इन सब का एक ही ध्येय है, विरासत का सम्मान करते हुए हम लोग महापुरुषों के जीवन को वर्तमान पीढ़ी की प्रेरणा का केंद्र बिंदु बना सके, और उसी केंद्र बिंदु को बनाने के लिए आज फिर से मैं आपके पास यहां पर आया हूं। भाइयों बहनों, मेरे लिए यह अत्यंत आनंद का क्षण है कि चौधरी साहब, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य ने चौधरी चरण सिंह जी जैसा महापुरुष दिया, और इन्हीं का परिणाम है, क्योंकि चौधरी साहब ने जो किसानों के हितों के लिए कार्य किया, छपरौली की चीनी मिल चौधरी साहब की इच्छा थी 1980 से ही कि चीनी मिल का पुनरुद्धार हो जाए, पिछली सरकारें नहीं कर पाई, हमारी सरकार आई, और उस समय हमारे चौधरी लक्ष्मी नारायण जी ने भी, और उस समय के हमारे सहयोगी मंत्रियों ने भी कहा कि चौधरी साहब की इच्छा थी चीनी मिल का पुनरुद्धार होना चाहिए, योगेश धामा वगैरह वगैरह सब लोग आए, सहेंद्र चौधरी सभी लोग मेरे पास आए, हमने कहा ठीक है करेंगे, और भाइयों बहनों एक मुश्त पैसा दिया, हमने कहा चौधरी साहब के प्रति हमारा नमन है, क्योंकि चौधरी साहब की कर्म भूमि की चीनी मिल छपरौली की चीनी मिल का पुनरुद्धार करेंगे, और भाइयों बहनों आज वो चीनी मिल अपनी पूरी क्षमता के साथ बागपत और उसके आसपास की जनता की सेवा कर रही है, ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में भी व्यापक परिवर्तन करने के कार्य हुए हैं, और आज मैं फिर आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये डॉल इंधन की सरकार है, ये बोलती कम है और परिणाम ज्यादा देती है, रिजल्ट ज्यादा देती है, ये डॉल इंधन की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाते हैं, गरीबों को मिला आवास, गरीबों के घरों में शौचालय, गरीबों को मिला उज्ज्वला योजना का रसोई गैस, गरीबों को मिला प्रधानमंत्री अन्न योजना का राशन, या फिर युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था, या फिर अन्य जितने भी कार्य हो रहे हैं, ये इसी दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं, और हम सब नवीन सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके। आज मेरे साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी भी आ रहे थे, लेकिन दिल्ली में या आवश्यक बैठक में उनको जाना पड़ा, वे आज इस कार्यक्रम में आने पाए, नेता उनकी हार्दिक इच्छा थी कि बिलारी में इस कार्यक्रम में मैं स्वयं उपस्थित रहकर के कार्यक्रम को भव्य बनाने में योगदान दूंगा, कार्यकर्ताओं को उन्होंने लगाया भी, प्रशासन के साथ बेहतर तालमेल बना करके अन्नदाता किसानों के जीवन में, युवाओं के जीवन में जितना परिवर्तन हो सकता है, जितना हम खुशहाली ला सकते हैं, समृद्धि ला सकते हैं, आज आपके परिश्रम और पुरुषार्थ का परिणाम है, उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रही है, हमारे पास सामर्थ्य है, उत्तर प्रदेश के पास ताकत है, और इस ताकत को हम इस्तेमाल करके
भूमिका का निर्माण करते हुए हम सबको कार्य करना है। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से मैं 24 साल की 121वीं जयंती के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं साथ साथ चौधरी चरण सिंह शिक्षा एवं सेवा स्मृति समिति को, स्मारक समिति को इस 51 फुट की मूर्ति के लिए धन्यवाद देता हूं। जाट महासभा को भी इस कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।